किसी का प्यार कम होने के 10 लक्षण, इसके ऊपर मैं आज आपसे बातचीत करने वाला हूं। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर, मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्तज्ञ हूं। महाराष्ट्र में मुंबई, पुणे, अकोला यहां प्रैक्टिस करता हूं। यदि कोई व्यक्ति आपके ऊपर का उसका प्यार, उसका उसकी रुचि या उसकी दिलचस्पी या उसका इंटरेस्ट यदि आप में कम होते जा रहा है तो उसके कुछ लक्षण होते हैं और वो लक्षण आपको ध्यान में आना चाहिए। नहीं तो क्या है कि खामोखाम आप उसके पीछे लगते हैं और फिर आपका भ्रम निराश हो जाता है। एक दिन बड़ा कांड होके फिर बहुत बड़ा ब्रेकअप एक दिन हो जाता है। तो इतना बड़ा शॉट लगने के पहले, इतना बड़ा ब्रेकअप होने के पहले या ब्रेकडाउन होने के पहले जो छोटे लक्षण दिखते हैं वो यदि आप देखते हैं और उसके ऊपर ख्याल रखते हैं तो मालूम पड़ेगा कि सामने वाले का प्यार आपके ऊपर से कम हो रहा है। नंबर एक, वो आपसे कम बातें करना चालू करता है। मतलब आप जब उनके साथ में हो, आप बातें करते जा रहे, वो ज्यादा बातें करता नहीं है आपको, आपके साथ में मतलब बातें कम करेगा, हाँ ना में जवाब देगा, और जो आप बात कर रहे हैं उसको हाँ यस नो ऐसा करके बात करेंगे। आपको लगेगा बात क्यों कम कर रहा है, आपको समझ में नहीं आएगा। तो उसका बातें आपसे कम करना शुरू हो जाता है, नंबर एक। नंबर दो, जो आपके पास में जब वो है या आप उनके पास में है तो उनका व्यवहार थोड़ा सा अलग तरह से हो जाता है। वो आपके तरफ ख्याल देंगे नहीं, वो और किसी से बात कर लेंगे, आपको नजरअंदाज कर लेंगे, आपके तरफ देख के बात नहीं करेंगे, ऐसा आपको मतलब टाल रहे ऐसा आपको लगेगा और थोड़ा सा अलग व्यवहार आपके साथ में होगा। नंबर तीन, आपके कॉल्स जो है उसके वो कम हो जाएंगे। आप कॉल करते हैं तो लेगा मगर खुद होके कॉल नहीं करेगा, नंबर ऑफ कॉल्स भी लेस, व्हाट्सएप कम हो जाएंगे और आपको लगेगा ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों हो गया है, कॉल क्यों कम हो गए। तो एक लक्षण है वो कि भाई कॉल्स कम हो रहे हैं या वो खुद होके आपके तरफ आएंगे नहीं बात करने के लिए। नंबर चार, वो आपको सवाल पूछना बंद करता है। मतलब आप कहाँ गए थे या कहाँ गई थी, खाना खाया क्या, कहाँ जाने का है, या आपको अच्छा लगता है क्या, मतलब ऐसे कोई सवाल पूछते हैं तो कोई आपको जब सवाल पूछता है तो उसका आप में इंटरेस्ट दिखता है कि नहीं आदमी इंटरेस्टेड है आप में। वो सवाल ही नहीं पूछता, सवाल पूछना उसने बंद कर दिया है। सो वो सवाल पूछना बंद कर देते हैं तो समझ जाना है कि कुछ ना कुछ एक सेटल लक्षण है कि कुछ भी गड़बड़ हो रही है। नंबर पांच, वो रेस्पॉन्ड करना कम कर देते हैं। मतलब आप जब खुद होके कॉल करेंगे तो उनका रेस्पॉन्स कम आएगा, आपका व्हाट्सएप है उसका रेस्पॉन्स कम आएगा, आप हेलो बोलेंगे तो उसको वो हेलो नहीं बोलेंगे, आप बाय करेंगे तो उसका रेस्पॉन्स कम हो जाएगा, आप आई टू आई कॉन्टेक्ट करने की कोशिश करेंगे तो वो उसका रेस्पॉन्स कम हो जाएगा। मतलब उसका रेस्पॉन्स जो रहता है आपके एक्शन के ऊपर उसकी रिएक्शन, तो वो रिएक्ट करना या रिएक्शन देना या रेस्पॉन्स देना उसका कम हो जाता है। छठवां, वो आपके जीवन में आने की कोशिश नहीं करते। मतलब आपके जीवन में क्या चल रहा है, आपके जीवन में क्या हो रहा है उसकी जानकारी लेना, आप क्या डील कर रहे हैं, आपको क्या हो रहा है, आपका मूड कैसा है, आपको मतलब कोई कठिनाइयां है क्या, उसके बारे में जानना है। मतलब आपके लाइफ में आके आपके साथ में रहना वो धीरे धीरे कम हो जाता है। नंबर सात, जो अपॉइंटमेंट है दी हुई वो कैंसिल कर देंगे और उसके समय कुछ बहाना बना देंगे। पहले तो अपॉइंटमेंट दे देंगे और फिर बाद में एंड टाइम पे कुछ ना कुछ बहाना बना के वो अपॉइंटमेंट कैंसिल कर देंगे या फोन कॉल का कैंसिल कर देंगे या जो भी कुछ आपकी अपॉइंटमेंट के साथ में होंगे वो कैंसिल कर देंगे और कुछ तो भी बहाना बनाएंगे। बहाना ऐसा बनाएंगे कि आपको लगेगा हाँ सच उसको कुछ तो भी काम है, बहुत बिजी है, मगर उसका इंटरेस्ट कम हो रहा है। नंबर आठ, वो व्यक्ति आपका बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड जो भी होंगे उसके अलग प्लान बनाना चालू करता है। मतलब ये वीकेंड में आपका प्लान होगा कि भाई साथ में मूवी जाना है या रेस्टोरेंट में जाना है या और कहीं घूमने जाना है, बगीचे में जाना है या कहीं मिलना है, तो उसका प्लान उसने अलग बनाया होगा और आप यदि कुछ प्लान बताते हैं आपका तो वो उसका बोलेगा नहीं नहीं मैं ऑलरेडी बुक्ड हूँ, मैं ऑलरेडी पैक्ड हूँ और मुझे ये काम है वो काम है ऐसा बोल देगा और वो उसका प्लान अलग बनाएगा या उसको बोलेगा नहीं नहीं मेरे को तो उसके साथ में जाने का, मैंने तो उसको पहले कमिट किया हुआ है ऐसा वो बोल देगा। नंबर नौ, उनकी प्रायोरिटी अभी आपके सामने जो है वो अलग बन जाती है। मतलब आपका नंबर प्रायोरिटी में नीचे आएगा। पहले क्या था, नंबर आपका पहला था प्रायोरिटी में, आपका कॉल आएगा तो पहले लेंगे, आपका इन्फॉर्मेशन पहले इन्फॉर्मेशन लेंगे या रेस्पॉन्ड जल्दी करेंगे। अभी क्या है कि आपका कॉल आखिरी में रहेगा और किसी को महत्व दिया जाएगा और किसी का कॉल पहले लिया जाएगा, फिर घर वाले होंगे या और कोई फ्रेंड्स होंगे। मतलब आपका नंबर जो है वो प्रायोरिटी में नीचे आ जाएगा और बोलेंगे नहीं नहीं वो तो जरूरी था, वो तो मेरे बॉस का फोन था, वो तो मेरे पिताजी का था, वो तो मेरे माँ का था, पहले ऐसा नहीं था, पहले माँ भी रही तो भी पहले तुम्हारा फोन लेंगे, अभी नहीं, अभी बोले माँ का कॉल है। मतलब इस तरह का हो जाता है। और नंबर 10, उसने और किसी को ढूंढ लिया है
अपना दोस्त, और उसकी कुछ निशानी अपने को मिल जाती है कि कभी किसके साथ में दिख गया या कुछ फोटो दिख गया, भले कम होगा वो, मगर उन्होंने और कुछ तो भी दोस्त अपना ढूंढ लिया है, उसके साथ में उसकी चल रही है, चैटिंग चल रही है या मिलना चल रहा है, जो भी कुछ है, तो समझ जाना अपना इंटरेस्ट कम हो रहा है। क्या है कि जब भी आप कोई रिलेशनशिप में हैं और यदि आप ये देखते रहते हैं कंटिन्यूअसली, तो आपको पता चलेगा कि ये येलो अलर्ट्स है, और वो येलो अलर्ट्स आप कैच करेंगे तो जल्दी पकड़ में आएंगे और जल्दी आप उसके ऊपर इलाज कर सकेंगे। नहीं तो क्या है कि आप भ्रम में रहेंगे कि नहीं नहीं अपना तो सब अच्छा चल रहा है, और फिर एक दिन बड़ा कांड होके बहुत बड़ा ब्रेकडाउन हो सकता है, और फिर उस दिन आप संभल नहीं सकते। तो इसलिए पहले से अलर्ट रहो, ये जो अलर्ट है उसकी उसको एक्नॉलेज करो, और उसके ऊपर कुछ एक्शन कर सकते हो तो जरूर करो। आपको कुछ सवाल होंगे जरूर, हमारे जो काउंसिलर्स हैं उनको आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हमारे ऑनलाइन वेबिनार सेमिनार्स वर्कशॉप्स, सेक्स काउंसिलिंग वर्कशॉप्स, हिप्नोटिज्म के वर्कशॉप चलते रहते हैं, आगे की डेट आप उनसे पूछ सकते हैं और मेरे साथ में आप आ सकते हैं वो वर्कशॉप्स में, और हमारा ऐप है वो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। हमारा जो मकसद है वो सबके लिए मानसिक स्वास्थ्य और व्यसन मुक्त भारत, इसमें आप भी हमारे पार्टनर बन जाएगा। थैंक यू वेरी मच।